देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रक्षिता, चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पे। खबर अल्मोड़ा से है। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए अल्मोड़ा में आज विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने जिला पहुंचकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट के कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिए। इस दौरान चौहान ने अस्पताल में कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवाई। अस्पताल में पहुंचे विधानसभा उपाध्यक्ष चौहान ने निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट के साथ ही आईसीयू वार्ड और वहां लगे वेंटिलेटर का जायजा लिया। वहीं अस्पताल के पीएमएस आरसी पंत से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि अस्पताल में कोविड से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हुए हैं। 4 बेड का आईसीयू बनाया गया है, जहां ऑक्सीजन की लाइन बिछाई गई है। ऑक्सीजन प्लांट बनाने का कार्य गतिमान है। उन्होंने जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। चलिए, जो हमारा लाइन बननी थी ऑक्सीजन की बन रही है, मेरे ख्याल से 15-20 दिन में तैयार हो जाएगी, और फिर उसके बाद जो है वो सिलेंडर की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। वो हमारा एक सिलेंडर जो हमारा जो लाइन बन रही है वहाँ जनरेटर जो वहाँ से लाइन से हमको ऑक्सीजन मिल जाएगी। दूसरा, हमने ये कहा कि हम यहाँ पर आईसीयू रूम कितने, आईसीयू बेड कितने हैं, 4 बेड हमको यहाँ पर आईसीयू बेड के हैं, उन चारों में ऑक्सीजन की सुविधा है, सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, ये मुझे जानकारी मिली है। और तीसरा मामला ये है कि अभी जो हमारे यहाँ जो बाहर के लोग अभी वो आ रहे हैं यहाँ पर, जिनको वैक्सीन लग रही है, जो कोविड से प्रभावित हैं, जिनको जाँच होने वाली है, जिनकी जो कोविड की जाँच कराना चाहते हैं, RT-PCR कराना चाहते हैं, रैपिड कराना चाह रहे हैं, या फिर जो इंजेक्शन लगाना चाह रहे हैं, तो उनका काफ़ी मात्रा में बढ़ चुका है। आज यहाँ पर हॉस्पिटल में आया था तो अब प्लांट हमारा अभी तैयार नहीं हुआ, हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट था उसका काम चल रहा है, उसको कह दिया गया है कि जल्दी से जल्दी एक हफ्ते के अंदर ऑक्सीजन प्लांट का वहाँ नीचे प्लांट लग जाए, और ताकि हर मरीज के पास वो जो हमारा जो सिलेंडर है ऑक्सीजन का, वो सिलेंडर उसको उपलब्ध हो पाए। तो इसलिए मैं आज हॉस्पिटल में आया था, और हॉस्पिटल की जो है अभी यहाँ ठीक ठाक चल रहा है, मुझे बहुत अच्छे मुझे